किया। बीजेपी का ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आपने आपने ये डिसीजन क्यों लिया? जब तक उनका कोई बयान नहीं आ जाता है मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सर डिसीजन, डू वी हैव द नंबर्स बाय सोनिया गांधी वेणुगोपाल जसमेत, बट हैज इट बीन मेड पब्लिक? हैज इट बीन अनाउंस्ड? नॉट येट। लेट इट बी अनाउंस्ड, वी टेक अ कॉल ऑन। ओके, नंबर वन, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश था। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लेना देना इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दो तीन तारीख की रात को जो कांग्रेस के कुछ विधायकों को, चार विधायकों को, तीन विधायक कांग्रेस के और एक निर्दलीय विधायक को, जो चार्टर फ्लाइट गई उसके अंदर अरविंद भदौरिया भाजपा के विधायक क्यों बैठे थे? भारतीय जनता पार्टी के संगठक मध्य प्रदेश के आशुतोष तिवारी उस चार्टर फ्लाइट में क्यों बैठे थे? हमारे पास सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये भी जानकारी है और प्रमाण है कि कल जो तीन चार्टर गए थे बेंगलोर, उन तीनों चार्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है? वहां पर बेंगलोर की सरकार क्यों उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है, और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है उसके कारण ये घबराए हुए हैं। तो अभी नंबर है हमारे पास सर। 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सर डू यू हैव द नंबर्स? अभी नंबर्स हैं कांग्रेस के पास या सर? जस्ट वेट सर। शिवराज सिंह दैट ही इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस विद दैट्स ऑलरेडी। तो देन शिवराज सिंह चौहान इज स्पीकिंग अ लाई। आई वांट टू नो फ्रॉम हिम हु कांग्रेस की नहीं और हमें विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमल कसने बाकी लोग बहुत उम्मीद जता रहे हैं अभी भी। मेरा अपना सोचना है जी, मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करें। आपके हिसाब से रियलिटी यही है? सच्चाई है, सच्चाई का सामना करने में डरना क्या? ये इस इशू को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया किसकी? मैं उसमें नहीं पड़ता क्यों नहीं किया क्या नहीं किया, लेकिन हमें आगे कमर कस के मजबूत रहना चाहिए सर, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका। इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन की कमी रही क्या? मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्या फायदा पढ़ने से, जो होना था हो गया। चुनाव के लिए भी तैयारी कमर मैं सभी देशवासियों को, राज्य के लोगों को और क्षेत्रवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, आदरणीय जयंत भैया जैसे हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन सब की उपस्थिति में कार्यकर्ता उल्लासित है। और आज की होली तो कुछ विशेष है। मुझे लगता है कि राज्य में जो ईर्ष्या और द्वेष सरकार जो वर्तमान की थी वो जो फैलाकर एक प्रकार से दुश्मनी का भाव उनके दिमाग में था उसकी होली आज जली। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति के इतिहास में इस होली का अपना मायने होगा। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तब मैंने उनका अभिनंदन किया था,
उनको शुभकामनाएं दी थी। मैं फिर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में वो आकर उन्हें जो संबल दिया है, मैं मानता हूं कि राज्य के हित में मिलकर हम बेहतर काम कर पाएंगे। उनके इस फैसले का इंतजार सभी को है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अगर ये फैसला किया है तो उनका संस्कार तो मूल संस्कार वही था, और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से वैचारिक वापसी है। इससे ज़्यादा मैं उनको सिर्फ शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार बनाएंगे? नहीं, सरकार तो जाने वाली थी, जनादेश तो खंडित था ही, ये सरकार जाने वाली थी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था। सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक राज्य के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी वैसा फैसला करेगी। अब जो भी है वो स्थिति बहुत साफ है कि ये जो भी हो रहा है ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई का परिणाम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं। जैसे कांग्रेस के आरोप भाजपा में आने वाले हैं, तो सिंधिया जी अगर भाजपा में आते हैं तो क्या परिदृश्य बदलेगा आपके हिसाब से एमपी के अंदर? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है कि एमपी का नेतृत्व तो जो भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा, और केंद्र में जो तरह सिंधिया जिस प्रकार वहाँ पर राजनीति करते रहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर करेंगे। सिंधिया जी के सारे पदाधिकारी जो सिंधिया जी के साथ में थे कैलाश जी, वे सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, प्रदेश भर में इस्तीफों का दौर है। हाँ, मुझे लगता है कि एक कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत जो यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ में थी, वो ताकत कांग्रेस की कम होगी ही, और वैसे भी इस प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह जी के 10 साल को देखा है और कमलनाथ जी के 1 साल को देखा है। अभी मैं एक किसी से बात कर रहा था तो उसने बोला कहाँ गए, तो बोले कमलनाथ जी क्या गए हूँ, क्यों कमलनाथ जी क्या गए, तो बोले यार उन्होंने काम कराने के लिए पैसे दे दिए थे, वो मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, तो एडवांस पैसे ले ले काम कर रहे थे लोगों के। तो अभी कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के लोग पैसे मांगने के लिए खड़े हैं कि भाई तुम तो जाने वाले, पैसे दे जाओ यार, काम नहीं हुआ।